तो आपके सामने आप देख ही रहे हो कि क्या ओपन हुआ है कि जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पे पहले लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। जी हाँ, एक नया मैसेज ओपन हो जाएगा। वो क्या है? वो है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन रिलेटेड। पहले क्या होता था कि अगर आपने जो नया रजिस्ट्रेशन करवाए होते या नई रजिस्ट्रेशन करे तो आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन मैंडेटरी था। तो अभी क्या है कि जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, जी हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से लिया है तो उनको भी आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना होगा। जी हाँ, इसका मैसेज दे रहा है पोर्टल पे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए। क्या बोल रहा है? आधार ऑथेंटिफिकेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, वुड यू लाइक ऑथेंटिकेट आधार अ पार्टनर प्रोमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आप इसको रिमेम्बर मी लेटर करोगे तो सीधा डैशबोर्ड माई प्रोफाइल आधार ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस पे चला जाएगा। अगर आप इसको यस नेविगेट टू माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो देखिए ये यहाँ पे और एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं फिर से इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फिर से ये जैसे ही हमने लॉगिन किया तो फिर से वही मैसेज दे रहे। तो अगर आप यहाँ पे यस नेविगेट टू माय प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने और एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वुड यू लाइक टू आधार ऑथेंटिकेट और अपलोड EKYC डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनर प्रोमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंड आधार ऑथेंटिफिकेशन लिंक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे लिंक चला जाएगा। तो उसके द्वारा ही वही लिंक के द्वारा आप आधार ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप अपलोड EKYC डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आधार एनरोलमेंट नंबर पासपोर्ट एपिक वोटर आईडी KYC फॉर्म सर्टिफिकेट इशू कंप्लेंट अथॉरिटी आधार। जो भी आपका पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप सेंड ऑथेंट आधार ऑथेंटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर आधार नंबर के द्वारा लिंक करके रखा है तो वहाँ पे चला जाएगा, फिर आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन करना होगा। ठीक है, ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर ऑन ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ GST ऑफ सिलेक्टेड पार्टनर प्रोमोटर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो लिंक गया है तो उसी लिंक के द्वारा आप आधार ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन GST पोर्टल पे नया अपडेट हुआ है। तो ये जो आधार ऑथेंटिफिकेशन है पहले जैसा है, जैसे कि आप नया रजिस्ट्रेशन करते जाओगे तो उस समय जो जिस तरीके से आप आधार ऑथेंटिफिकेशन कर रहे हो बस सेम तरीका है। ठीक है, तो उसी के द्वारा आप सेम प्रोसेस के द्वारा आप आधार ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो। और आप वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाना, लाइक करें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन या फाइनेंशियल और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सब कुछ आपको इसी चैनल पे सीखने को मिल जाएगा।